आज के दिन सन 1896 में वैज्ञानिक ऑनरी बेकेरल के एक प्रयोग के कारण रेडियोधर्मिता क्या होती है इसका पहली बार पता चला था। 1951 में बिहार के समाजवादी आंदोलन से निकलकर 10 साल मुख्यमंत्री पद संभालने वाले नीतीश कुमार का जन्म हुआ था। 1983 में ओलंपिक और कॉमनवेल्थ खेलों में पदक जीतकर देश को गौरवान्वित करने वाली मैरी कॉम का जन्म हुआ था। 1996 में विद्युत उत्पादन हेतु थर्मो न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करने के उद्देश्य से भारत, रूस, चीन और ईरान एशियन फाउंडेशन फॉर थर्मो न्यूक्लियर स्टडीज नामक संस्थान स्थापित करने पर सहमत हुई थी। सन 2000 में मोहम्मद अहमद अल गयूम के स्थान पर मुबारक अल शामेक लीबिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। 2001 में उत्तर पश्चिमी अमेरिका में भूकंप आया था। 2002 में यूरो क्षेत्र के 10 देशों की मुद्रा समाप्त होकर यूरो 30 करोड़ लोगों की वैध मुद्रा बनी थी। 2004 में रूस के राष्ट्रपति ने मिखाइल फ्रेतकोव को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। 2004 में हैती के राष्ट्रपति जियो बर्त्रा एसिस्त दे देश छोड़कर दक्षिण अफ्रीका भागे थे। 2005 में सोयुज यू रॉकेट कजाकिस्तान के बैकानू अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित हुआ था। 2006 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे थे। 2007 में अमूल्य नाथ शर्मा नेपाल के प्रथम बिशप बने थे। 2008 में निजी क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी वाणिज्य बैंक ICICI बैंक लिमिटेड ने न्यूयॉर्क में अपनी शाखा खोली थी। 2008 में वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर बहते हुए पानी की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं मिलने का दावा किया था।